हेलो नमस्कार साथियों, मैं आप सबका केपी जयस्टार एक बार फिर स्वागत करता हूँ यहाँ पे केपी जयस्टार अपडेट चैनल में। तो आप सबको बता दूं, यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से आप सबके लिए नई जो वैकेंसीज है वो यहाँ पे निकाली गई हैं। जिन वैकेंसीज के लिए यहाँ पे जो 10th पास कैंडिडेट होंगे वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो 12th पास कैंडिडेट होंगे वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सीधा आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन पे लेके चलते हैं। तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से आपकी जो नई वैकेंसीज हैं वो यहाँ पे आउट की गई हैं। जिन वैकेंसीज के लिए, मैं आपको बता दूं, इन वैकेंसीज के लिए आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो यहाँ पे 8 सितंबर से शुरू होंगे। आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, इन वैकेंसीज के लिए आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है 8 सितंबर से, ठीक है, 8 सितंबर से जो आपके ऑनलाइन फॉर्म है वो यहाँ पे शुरू होंगे। लास्ट डेट की यहाँ पे बात कर लो 22 सितंबर, ठीक है, 22 सितंबर आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। स्टार्टिंग डेट आपकी 8 सितंबर रहेगी और 22 सितंबर आपकी लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन फॉर्म के लिए। एप्लीकेशन फी की बात करूँ, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे ₹250 आपकी फी रहने वाली है। एससी और एसटी के लिए यहाँ पे कोई भी फी नहीं रहेगी। एज लिमिट की बात करूँ तो आपको बता दूँ, ऐसे तो आपकी जो एज है वो यहाँ पे 18 से लेके 22 साल के बीच होनी चाहिए, लेकिन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो भी आप सभी यहाँ पे देख लीजिए, 1/5/2001 से लेके 30/4/2005 के बीच जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे होनी चाहिए। टोटल वैकेंसीज की बात करूँ तो आपको बता दूँ, यहाँ पे 300 टोटल आपकी जो वैकेंसीज है, 300 वो यहाँ पे निकाली गई है। इसमें देख सकते हैं यहाँ पे जीडी की 225 वैकेंसी है, ठीक है, जीडी की 225 वैकेंसी है। जीडी के लिए आपकी 10+2 यानी कि आपकी 12th पास होनी चाहिए। 12th में आपको बता दूं, आपके जो सब्जेक्ट है फिजिक्स और मैथ आपका यहाँ पे होना जरूरी है अगर आप जीडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। वही अगर आप डीबी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, डीबी के लिए आपकी 40 वैकेंसी है। डीबी के लिए सिर्फ आपकी सिंपल यहाँ पे 10th पास मांगी गई है। आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, डीबी के लिए सिर्फ आपकी 10th पास मांगी गई है। बाकी नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो वैकेंसीज हैं इनमें डिप्लोमे मांगे गए हैं, ये आपके काम की नहीं है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इनमें भी 35 वैकेंसी यहाँ पे दी गई हैं। बाकी आपको बता दूं, यहाँ पे डीबी में 40 वैकेंसी है, इसमें कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, सिर्फ आपकी 10th पास होनी चाहिए, ओनली 10th पास। अगर आप जीडी में अप्लाई करना चाहते हैं 225 वैकेंसी है, 12th में फिजिक्स और आपका मैथ यहाँ पे होना जरूरी है, तो आप डीबी में भी जीडी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी ये रही यहाँ पे नई वैकेंसी, नया नोटिफिकेशन, 8 सितंबर से आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के। अगर आप इसी तरह नई से नई जॉब के बारे में, नई से नई भर्तियों के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल केपी जयस्टार अपडेट को जरूर यहाँ पे सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक जय हिंद जय भारत।